के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पोहा लिए हैं, ये इससे करीब 3 प्लेट पोहा बनेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से धोकर वो साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो इन पोहों को भिगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरे में पानी लिया। याद रखिए आपको पोहा मोटा लेना है, पेपर पोहा है बारीक वाला पोहा हमें स्टीम पोहा बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ एक कटोरे में मैंने 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ी सी हल्दी ली है, उसे मैं इस पानी में डाल दूंगी। वैसे तो वो लोग अपने पोहा को गलाने के लिए पानी में सोख करते टाइम फूड कलर या पोहा कलर आता है वो डालते हैं, जिससे उनका कलर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन हम कलर यूज़ नहीं करेंगे। मैंने हल्दी ली है, हल्दी में पोहा डालें क्योंकि हल्दी घर में अवेलेबल रहती है, हर समय फूड कलर अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। और एक हेल्दी ऑप्शन भी है, हम इनको हेल्दी बनाने की कोशिश करें इसलिए मैंने हल्दी डाली है। तो इन हल्दी वाले पानी में हम अपने पोहों को करीब 2 से 3 मिनट तक सोक करेंगे। ये हमारे पोहों की थिकनेस पर डिपेंड करता है कि हमारे पोहा कितने देर इसमें गलेंगे, क्योंकि अगर पोहा पतले हैं तो आप जल्दी भी निकाल दीजिए, इनको गलने देंगे। हमारे पोहा को भींगते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो इसका पानी हम बाहर निकाल देंगे और पोहों को छलनी में छानकर अलग रख देंगे। इन पोहों को करीब 10 से 15 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमारे पोहा को भींगते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अब आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, अभी इसमें नमक थोड़ा कम ही जाएगा क्योंकि बाकी के मसाले वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए हम इसमें कम नमक डालेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी, ये ज़रूर डालिए क्योंकि बाज़ार में जो पोहा मिलते हैं वो थोड़े मीठे होते हैं हल्के और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसमें चीनी ज़रूर डालिए। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे हम। तो हमारे पोहा में नमक और शक्कर मिलकर रेडी है, अब शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। मैंने यहाँ पर एक कड़ी पत्ते की डंडी ली है, इसको हम बारीक काट लेंगे इनकी पत्तियों को। साथ ही मैंने 2-3 हरी मिर्ची ली है, इनको भी हम बारीक कट कर लेंगे। साथ ही 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, उसको हम इसी में डाल देंगे। और 1/2 चम्मच के करीब मैंने राई ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक तड़का पैन लिया है, उसमें मैंने 1 छोटे चम्मच के करीब ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने कर दिया है गैस को बंद। अब इसमें मैं अपना तैयार किया हुआ तड़का डालूंगी। इसको थोड़ा होने देंगे। देखिए कितना कम तेल लिया है इसमें हमने। पोहा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और वो और भी हेल्दी हो जाता है जब बहुत ही कम तेल में बने। तो अभी हमारा तड़का हो चुका है, इसे हम डालेंगे अपने पोहों में। देखिए इस तड़के को हम अपने पोहा में डाल देंगे। पोहा एनीमिया के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पोहा डेली यूज़ का हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होती है, और इसे हम घर के अच्छे तेल और अच्छे इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं तो ये और भी हेल्दी हो जाती है। बस इसी तरीके से हम अपना सारा तड़का इसमें मिला देंगे अच्छे से। तो देखिए हमारे पोहे का तड़का भी बन लग चुका है, अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसे स्टीम कैसे करना है। एक भगोनी में मैंने करीब 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देना है। मैंने इन पोहों को एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हम अपने भगोनी के ऊपर रख देंगे और करीब 5 से 10 मिनट जब तक ये गर्म नहीं हो जाते तब तक इन्हें ढककर पकाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इनको पकाना है। तब तक हमारे पोहा पककर रेडी हो रहे हैं, इसके लिए हम जब तक इसके कुछ जैसे प्याज टमाटर वगैरह बारीक चॉप कर लेते हैं इसको सजाने के लिए। ये देखिए हमारे पोहा गर्म होने लगे हैं, भाप की वजह से पकने लगे हैं। इन्हें 5 मिनट के करीब पकाना है। देखिए ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं भाप के पोहा और काफ़ी अच्छे से पक रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पोहा बनकर बिल्कुल रेडी हैं, कितने अच्छे से भाप आ रही है और कितने अच्छे से पोहा गर्म हो चुके हैं। तो हम अपनी गैस को करेंगे बंद और शुरू करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो सबसे पहले हम अपने पोहा को एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही गर्मा गर्म पोहा है, आप अपनी सारी प्रिपरेशन तैयार करके रखिए, फिर इन पोहों को सर्व कीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बनकर। सबसे पहले पोहा लिए, बाकी के बचे हुए पोहों को आप ढककर रख दीजिए जिससे वो गर्म। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी अपनी बारीक कटी हुई प्याज।
अब इसमें डालूंगी मैं कटे हुए बारीक टमाटर। देखिए इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हरी मिर्च, जितना आप खाते हैं तीखा उस हिसाब से डालिए। इसमें डालूंगी मैं मूंगफली के दाने कुछ। इसमें मैं डालूंगी पोहा का मसाला। ये पोहा का मसाला आप मार्केट में जो पोहा मिलते हैं आप उन भैया से आराम से 50 से 60 रुपये में आधा किलो के करीब परचेस कर सकते हो और आपके काफ़ी काम आता है, क्योंकि पोहा तो हम डेली यूज़ में बनाते ही काफ़ी हैं। तो ये पोहा मसाला डाल दूंगी, आप अपने अनुसार डालिए। इसमें भी नमक और मिर्ची काफ़ी होता है तो उसी हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिए। मैं डालूंगी मैं नमकीन सेव, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, डाल दिए मैंने। इसमें आधा नींबू डाल देंगे क्योंकि इसमें शक्कर भी है तो उसकी उसको बैलेंस करने के लिए इसमें मैं यहाँ नींबू डाल रही हूँ। थोड़े से सेव मैं और डाल दूंगी, इसे सजाएंगे थोड़े से हरे धनिया की पत्ती के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनकर रेडी है और कितना अच्छा लग रहा है, मार्केट से भी अच्छा है, घर पर बनाए हेल्दी और साफ तरीके से बनाए। तो आप ये पोहा ज़रूर ट्राई कीजिए और ये कितना टेस्टी है ये तो आपका बनाकर खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसे ज़रूर बनाइए और अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर कोई गलती हो रही है तो वो आप वो भी लिखिए और बताइए मुझे, मुझसे जुड़े रहिए और अपनी ये रेसिपी इंजॉय कीजिए।